नई मई के 122 प्रभागों की रचना में बड़ी धांधली का आरोप लगा था और इसको लेकर 3852 शिकायतें दर्ज कराई गई थी। आज उसकी सुनवाई हुई है और इस सुनवाई में खास तौर पर पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक गणेश नाइक साहब मौजूद रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से ये धांधली हुई उसे लेकर आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर में किया जा रहा, आज जब सुनवाई हुई तो क्या रवैया था अधिकारी? नहीं, देखिए बात ऐसी कि ये धांधली होने वाली है उसके बारे में माननीय आयुक्त को, माननीय जिलाधिकारी को, माननीय महसूल आयुक्त कोंकण और खुद इलेक्शन कमीशनर को मैंने पत्र लिखा है कि भाई यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है, आप ध्यान दे दो। ये इतना कहने के बावजूद शहर की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ द कॉरपोरेटर, तो शहर की पॉपुलेशन को 122 की संख्या से यदि आप डिवाइड करोगे तो 27,000 की बस्ती एक प्रभाग में आती है, यानी 9,000 एक वार्ड में आती है। ये 27,000 का एवरेज होने के बावजूद भी उत्तर से, मतलब दीघा से शुरुआत करते टाइम ने वो लोगों ने 23-24 इसका असर क्या हो गया, 20-25% पॉपुलेशन में 5 कॉरपोरेटर चले गए और बाकी बची 70-80-75 हज़ार % पॉपुलेशन के लिए 6 कॉरपोरेटर बच गए। ये किसके प्रेशर के या किससे कोई प्रेशर या लेने देने की बात, अभी उसमें क्या सच है मुझे नहीं मालूम। और क्योंकि मैंने उधर अधिकारी सामने मैंने बोला कि जब एक गणित सिखा रहे थे गुरुजी क्लास में, तो ये स्टूडेंट, ये जो अधिकारी हैं ना, ये स्टूडेंट थे, तो ये लोग इमली के पेड़ पे जाके इमली खा रहे थे, इसलिए उनको गणित का कैलकुलेशन मालूम नहीं है, ये भूल गए, वरना ऐसा बात नहीं होता था। हमेशा नोड को न तोड़ो, सेक्टर को न तोड़ो, गांव को न तोड़ो, झोपड़ी के वस्ती को न तोड़ो, ये सब नियम सुप्रीम कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने, इलेक्शन कमीशनर दिए, लेकिन यहाँ पे कई लोगों की जो इरादा था कि किसी भी हालत में अपने जिनका फेवर करना है उनके लिए ये लोगों ने सब ये धांधली की है। और एक तो अधिकारी था उधर मंच पे, उसने जो मुंडी नीचे डाली थी ना, तो ऊपर ही नहीं कर रहा था, और ये लोगों को पता चला है कि ये जो है ये उनके फेवर में। और मैं बोल रहा हूँ कि यदि इलेक्शन कमीशन के पास ये अभी जाएगा, उसमें नहीं सुधार हुआ, तो हम लोग हाईकोर्ट में जाने वाले। एक के जो आपने उसको कुछ प्रारूप भी दिया कि इस तरह से इसमें समाधान और सुधार होना चाहिए, क्या वो प्रारूप है जिसको लेकर आपने उनके साथ? प्रारूप ने हम लोगों ने कैसा प्रभाग होना चाहिए उसमें 10% प्लस माइनस ऐसे प्रभाग बनाए हैं, और उसके अलावा नज़दीक का कोई रास्ता नहीं है। तो हमारा कहना है कि यदि हम लोगों ने दिया हुआ यदि नियमों के अधीन है, नोड न टूटता है, सेक्टर न टूटता है, बूथ न टूटता है, कोई सोसाइटी न टूट रही है, लोगों के एक सुविधा की बात हो रही है, तो उसको आप स्वीकार कीजिए, ऐसे हमने उनको विनंती की है। अब अगर इसमें समाधान महानगर पालिका, चूंकि आप खुद भी कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर है पूरे प्रशासन पर, और अगर इसमें समाधान नहीं निकलता है तो फिर क्या अगली रणनीति होगी आप? नहीं, देखिए हम लोगों ने विनंती किया है, हम उम्मीद करते हैं वो सुधार ना करेंगे, नहीं किया तो हम लोग हाईकोर्ट में जाके माननीय न्यायालय से हम न्याय चाहेंगे। थैंक यू सर। जैसे कि आपने सुना कि खुद पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक जिन्होंने प्रारूप दिया है महानगर पालिका को, इस तरह से बिना बूथ और बिना वार्ड टूटे हुए अगर नई प्रभाग रचना हो सकती है तो निश्चित तौर पर उसे निर्वाचन विभाग और महानगर पालिका को इसमें सुधार करना चाहिए, और उन्होंने उम्मीद जताई है कि इसमें सुधार होगा, अगर नहीं होता है तो ये मामला अदालत की चौखट पर भी जा सकता है। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई।